खबर नरसिंहपुर के गोटे गांव से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का मामला सामने आया है। रेवा नगर सरस्वती स्कूल के पास रहने वाली रजनी गौंड उपचार करवाने के लिए पहुंची थी, जहां ड्यूटी पर पदस्थ डॉक्टर नदावत रहे और ड्रेसिंग रूम में कोई भी ड्रेसर मौजूद नहीं था। महिला का खून बहता देख एक युवक ने मानवता के नाते महिला की ड्रेसिंग करना शुरू की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं महिला ने स्वास्थ्य कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल में जब वो कल पहुंची तो उसे उपचार नहीं मिला और न ही इंजेक्शन लगाए गए। इससे साफ जाहिर होता है कि जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं और जिसके कारण आम जनता परेशान हो रही है। नरसिंहपुर से चंद्रशेखर मालवीय की रिपोर्ट। क्या समस्या है? कल अस्पताल गए थे हम सरकारी गोटे गांव, तो कोई इलाज का व्यवहार मिला ही नहीं, बैठा ही है जब तक अनबिलेड बे ही रहो। तो फिर एक लड़का आओ अपन जान नहीं पहचान नहीं, तो उन्हें पट्टी बांध दी ला के, बस भैया के साथ गए थे तो उन्हें इलाज करवाओ तो बैठा ही रहे, न उन्हें सूजी लगाई न कछु। मैंने भी आज ही देखा वो, अब मैं इसकी जांच करवाता हूँ, जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और व्यवस्था को भी, अगर कहीं व्यवस्था में कहीं खामी है उस व्यवस्था को भी सुधारा। एचआर की कमी होने के कारण बहुत सारी दिक्कतें वहाँ है सर। 50 का स्टाफ होने के बावजूद भी मतलब इतना कमी क्यों है? नहीं, 50 का स्टाफ नहीं, वो फील्ड वर्कर्स हैं जो फील्ड में काम करते हैं, हॉस्पिटल के लिए अभी कमी है बरकरार सर। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ नरसिंहपुर से संवाददाता चंद्रशेखर मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से मामला सामने आया है, स्वास्थ्य केंद्र पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, क्या लगता है ये पूरा मामला क्या है और जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके पीछे की सच्चाई क्या है? चंद्रशेखर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चंद्रशेखर जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो, चंद्रशेखर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है और स्वास्थ्य केंद्र पर भी लगातार लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, तो ये पूरा मामला क्या है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है? जी, मैं आपको बता दूं, गोटे गांव स्वास्थ्य केंद्र जो है ये अक्सर चर्चों में रहता है और यहाँ पर जो मरीज हैं वो अक्सर परेशान होते हैं। कल की बात है कि वहाँ पर रहने वाली एक महिला जिसके हाथ में काफी चोट लग गई थी और काफी खून बह रहा था, लेकिन जब वो वहाँ, महिला का कहना है कि जब वहाँ अस्पताल पहुंची है तो अस्पताल में न डॉक्टर था न ड्रेसर थी, वहाँ पर ड्रेसिंग करने वाला भी कोई नहीं था। वहाँ पर ही जो एक दूसरा युवक अपने इलाज कराने आया था उसके द्वारा ही उसके हाथ पे पट्टी बांधी गई, उसके ब्लेड रोकने की कोशिश की गई और वहीं पर हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की है तो जिला चिकित्सक अधिकारी का कहना है कि ये आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है, अब मैं देखता हूँ जो भी आगे कार्रवाई होगी और जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वही, जिस तरीके से पहले भी इस तरीके के मामले सामने आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है स्वास्थ्य केंद्र पर ये जो सवाल उठ रहे हैं इसके बाद क्या बड़ा एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जहां तक ये पहला वाक्य नहीं है गोटे गांव में, इससे पहले एक और ऐसी ही घटना हुई थी, उस समय भी डॉक्टर नहीं, मुझे नहीं लगता कि स्वास्थ्य विभाग कोई ऐसी अनियमितताओं पर कोई कड़क कार्रवाई करता है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी मजबूरी और लाचारी समझ आ रही है। जी ठीक है, चंद्रशेखर मालवीय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ इस खबर पर साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि नरसिंहपुर के स्वास्थ्य केंद्र में गोटे गांव में जिस तरीके का यह मामला सामने आया है, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही है वो सामने आ रही है, क्योंकि इससे पहले भी इस जगह एक ऐसा ही मामला सामने आया था और अब तो ये वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं कि महिला वहां इलाज कराने के लिए पहुंची लेकिन मौके पर डॉक्टर वहां नदारद पाए गए।